नमस्कार, मैं एक्सप्लोरर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप सभी लोग नव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं आपके नव वर्ष के बीते हुए दिन बेहतर गए होंगे। आपके लिए मैं कुछ खास जानकारी लेकर आया हूं अपने इस चैनल पर। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अगर आपकी राशि मेष है तो ये वीडियो आपके लिए है। शनिदेव के बारे में हम बात करने वाले हैं क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो शनिदेव का ही हो रहा है। शनिदेव 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए। ये लाभ का भाव है, यानी अच्छा भाव है। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो वो अच्छे परिणाम ही लगभग लगभग देता है। तो शनि भी आपको शुभ परिणाम देंगे। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक लगभग लगभग 2.5 वर्षों का समय होगा। शनिदेव आपके 11वें भाव में जाने वाले हैं और ये 30 वर्षों के बाद होगा। 30 वर्ष 30 इयर्स के बाद भारतीय ज्योतिष की बात करें तो यह परिवर्तन जो है शनि का 11वें भाव में जाना आपकी जिंदगी का एक सबसे बेहतर वक्त होगा। यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह गोचरी व्यवस्था बढ़िया है तो आपके लिए ये वक्त वाकई शानदार है। 100% सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। कुछ मेष राशि वालों की जिंदगी में आने वाले लगभग 2.5 वर्ष सबसे बेहतरीन होंगे, जिनके लिए वो तरस रहे थे कि शुभ वक्त कब आएगा। शनि 2023 में लगभग 140 दिन वक्री रहेंगे और 2024 में लगभग 139 दिन वक्री रहेंगे। वक्री का मतलब है उल्टी चाल चलना। इन 2.5 वर्षों में शनिदेव बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं और इन 2.5 वर्षों में जब जब भी शनि का अन्य ग्रहों के साथ गोचर होगा, जैसे शनि का चंद्र के साथ गोचर होगा, सूर्य के साथ गोचर होगा, मंगल के साथ होगा, शत्रु ग्रहों के साथ जब भी गोचर होगा तो कुछ परेशानियां भी आएंगी। 17 जनवरी से 17 जून की बात करें क्योंकि 17 जून से 4 नवम्बर तक कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे शनिदेव। वक्री शनि हमेशा बुरे परिणाम नहीं देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि वक्री है तो आपके लिए बेहतर परिणाम होगा और अगर आपकी जन्म कुंडली में वक्री नहीं है तो थोड़ा सा संघर्ष होगा। अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति भी बढ़िया स्थिति में चले जाएंगे। वैसे तो अपनी राशि को छोड़कर मेष राशि में चले जाएंगे तो आपके लिए बेहतरीन समय होगा। हर काम में, हर चीज में आपको सफलता होगी, इच्छा पूर्ति आपकी पूरी होगी। दिल की इच्छाएं जो पूरी हो जाए उसी को हम बढ़िया वक्त कहते हैं। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपकी कमाई अच्छी होगी, मेहनत से अधिक फल मिलेगा कुछ मामलों में। नौकरी में, व्यापार में, छोटे बड़े कामों में मनचाहा परिवर्तन देखने को मिलेगा, मनचाही खुशियां देखने को मिलेंगी। प्रबल योग बन रहे हैं आप, मीडिया, सोशल मीडिया, देश विदेश से जुड़े हैं, MNCs में काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मी दुनिया, छोटे बड़े पर्दे से जुड़े हैं, आप राइटर हैं, आप क्रिएटिव इंसान हैं, धीमे धीमे आपकी तरक्की हो जाएगी। आपको धार्मिक कार्यों में भी सफलता मिलेगी। जो लोग धर्म से जुड़े हुए, धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, ये वक्त, ये समय लाभ का है, इसका लाभ उठाने की कोशिश करिएगा। आपको इसके बाद ये जो शुभ समय, इतना शुभ समय 30 साल के बाद मिलेगा। जब शनि वक्री होंगे तो आपको योजनाएं बनानी है, थोड़ा सा संभल कर चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अपनी जो आपकी प्लानिंग से उनको बनाइए और जब शनि मार्गी हो जाए तो उस समय में उन प्लानिंग से जड़ लीजिए। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में मार्गी है तो थोड़ा सा संघर्ष, अगर वक्री है तो फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। शनि के वक्रत्व काल में अगर आप गलतियां नहीं करते हैं और सावधानी पूर्वक काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी रखिए, बढ़िया योजनाएं बनाइए, बढ़िया तरीके से चीजों पर अमल करिए, बढ़िया प्रैक्टिस करिए। कहते हैं ना कि जब वक्त थोड़ा सा खराब हो तो प्रैक्टिस करनी चाहिए और जैसे ही वक्त अच्छा हो तो चौके छक्के मारने चाहिए। जब शनि द्वारा मार्गी हो तो उस समय में मैदान में उतर आइए और अपनी प्रैक्टिस जो आपने की थी, उसका जो अनुभव था, उससे दुनिया को चकाचौंध कर दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया समय है, बहुत ही लाभ का समय है। जब भी शनिदेव यहाँ पर बैठते हैं तो भाग्य को मजबूत कर देते हैं, धन का रास्ता खोल देते हैं। धन का धन को देने वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति होता है। तो शनि इंसाफ करते हैं और राहु केतु भी शनि के इशारों पर चलते हैं। आप इस समय में
आंख की होशियारी से पैसा कमाएंगे, आपकी संतान की तरक्की होगी। शनि पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, इंटरटेनमेंट की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में आपको बहुत अच्छी सफलता देंगे। नए काम की शुरुआत होगी, पढ़े लिखे इंसान आप बनेंगे, आलस त्यागेंगे, बढ़िया बढ़िया अच्छे लोगों से, आपकी फील्ड के जो लोग हैं उनसे मुलाकात होगी। आप के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। अच्छे लाभ आपको मिलने वाले हैं, अकस्मात धन लाभ भी हो सकता है। शनि आपकी इच्छा पूर्ति करने वाले हैं और ये वक्त अनमोल होगा। फरवरी 2023 और मार्च 2023 में सूर्य और शनि का संबंध होगा, यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अगस्त सितंबर में सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, तब भी सावधानी रखनी होगी। इस वक्त में सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोर्ट कचहरी के मामलों से बचिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा, और ये जो पीरियड है यहाँ पर संभालने की जरूरत होगी। बाकी पीरियड शानदार है, आप अपने काम ईमानदारी से करें, आगे बढ़ें, आपकी तरक्की में कोई आपको रोक नहीं सकता है। शनिदेव आपके घर में मांगलिक कार्य भी करा देंगे, जो लोग शादी के योग्य हैं उनकी शादी भी करा देंगे, बहुत ही बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप अच्छी चल जाएगी, व्यापार अच्छा चलेगा, देश विदेश आने जाने के बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं। और बृहस्पति के उपाय करें, बृहस्पति के उपाय क्या क्या होते हैं? बृहस्पति के उपाय हैं जैसे कि धर्म से जुड़े, धार्मिक स्थान जाकर वहां पर सेवा करें, क्योंकि शनि कर्मचारी हैं। ईमानदारी से अपना काम करें, ईश्वर में आस्था रखें, अपने धर्म में आस्था रखें और हंसमुख बने रहें, मुस्कुराते मुस्कुराते काम करें, ईमानदारी से आगे बढ़े, तो आपके जीवन का ये सबसे बेस्ट पीरियड हो सकता है मेष राशि वालों का। इतनी बातों को अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो शनि का होने वाला ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य के दरवाजे खोल देगा। बहुत सारी तरक्कियां आपके जीवन में लिखी हुई हैं जो आपको मिलेंगी, छोटी मोटी उतार चढ़ाव भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम आसानी से हो जाएगा। ये उतार चढ़ाव हमें अनुभव दिखाएंगे कि आपको क्या आप में कमी रह गई जिसकी वजह से आप पीछे रह गए। मैं फिर ये कहूंगा आपसे, आप सभी राशि वालों से, आप सभी मेष राशि वालों से, ईमानदारी से काम करें, बृहस्पति के उपाय करें, केसर का टीका माथे पर लगाएं, धर्म पुरोहित धर्म गुरु कुल गुरु का आशीर्वाद लें और नास्तिक ना बने। और शराब मांसाहार मछली मीट ये सब शराब से दूर रहें, और जितना सात्विक भोजन खाएंगे उतना ही आपके लिए शानदार रिजल्ट आएंगे। ईमानदारी वाला जीवन जिएंगे तो बहुत बड़े आदमी 100% बनेंगे। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करवा सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली में अगर सितारे बेहतरीन हैं आपके तो ये 30 वर्षों के बाद आपके लिए खुशियों का वक्त आया है। इस वक्त को एंजॉय करें, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको शनि और अन्य ग्रह शुभ परिणाम दें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आइए चैनल से जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन के बटन को दबाते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। हर हर महादेव, नमस्कार।